पहले मैं ज़्यादा लीवर का क्योंकि कार्बन और रेड की फिनिशिंग में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। टैंक पर जो एक नंबर फिनिशिंग के साथ लग रहा है। साथ में यहाँ पे लगाइए एक नंबर की सीट जो एरोक्स की ब्रांडिंग के साथ है, टूरिंग क्रूजर सीट है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू, मैं हूं आपका अपना राजू भाई और आज आपके सामने यामा एरोक्स 155 मॉडिफिकेशन होने के लिए। सबसे पहले हम दिखाते हैं लीवर गार्ड जो कि कार्बन और रेड की फिनिशिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है देखने में। साथ में लगाया हमने मिरर वाले LED जो आपको डुअल मिलते हैं। एक मिलता है आपको इधर, ये इसका इंडिकेटर इनसाइड भी है और इस तरफ भी है। साथ में हमने इसमें लगाया टैंक पैड जो एक नंबर फिनिशिंग के साथ लग रही है, और साथ में इसका एग्जॉस्ट स्लाइडर। साथ में यहाँ पे लगाइए एक नंबर की सीट जो एरोक्स की ब्रांडिंग के साथ है, टूरिंग क्रूजर सीट है ये। साथ में लगाइए टॉप रैक और एक नंबर मॉडिफिकेशन इसमें हो चुकी है, और साथ में हम लगाइए कार्बन डिपिंग वाली नोज़, वो कुछ ऐसे दिखने में आती है। तो वीडियो चलो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें राजभाई SKD को, क्योंकि मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी सेम, मिलता है आपको इंस्टाग्राम पर भी। जय श्री राम, जय मंदिर, गुड बाय।